जिसमें पांच लक्षण दिखे वो साधु है। क्या क्या? तितिक्षवा कारुणे कहा सुहृदया सर्वदेहिना अजात शत्रु संता साधवा साधु भूषण। पहला गुण है साधुओं का तितिक्षा माने सहनशीलता, जिसमें सहनशीलता बहुत हो। जैसे पृथ्वी है, किसान हल चलाता है, आजकल लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, तो पृथ्वी को जोतते हैं तो चीर डालते हैं कि नहीं? लेकिन पृथ्वी नाराज नहीं होती कि मुझे चीर डाला, मुझे कुरेद डाला, वो बदले में अन्न पैदा करके देती है। वैसे ही संत का स्वभाव होना चाहिए, कोई हमें पूजा करे उसको तो आशीर्वाद दे, पर कोई हमारा अपमान करे, तिरस्कार करे, उसका भी कल्याण चाहे, उसको भी आशीर्वाद दे, वो साधु है। हमारा कोई सत्कार करे तो ही हम उसको आशीर्वाद दें, और कोई अपमान करे उसको हम श्राप दे दें कि उससे नाराज हो जाए, वो साधु का स्वभाव है। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा साधु की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुमने भी कुछ सोच रखा होगा, तुम बताओ साधु की क्या परिभाषा तुम्हें लगती है। उस व्यक्ति ने कहा मेरे हिसाब से तो वो साधु है कि मिल जाए तो खा लिया और ना मिले तो पड़े रहे। तो परमहंस जी ने फटकार लगाई, बोली ये साधु की व्याख्या है कि कुत्ते की व्याख्या है? अरे तो कुत्ते का स्वभाव है मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो पड़े। तो बोले साधु की क्या व्याख्या है? बोले साधु की व्याख्या ये है कि ना मिले तो राम जी का स्मरण करते भाई कहे कि प्रभु आज तुमने मुझे व्रत करने का अवसर दिया है, और मिल जाए तो जो बांट कर खाए उसे साधु कहते हैं। मिल जाए तो ठाकुर जी को भोग लगा के पवा के किसी को अतिथि की सेवा करके पाए उसको साधु कहते हैं। साधु पुरुष कौन है? बोले जिसमें सहनशीलता बहुत है, दूसरे जिसमें करुणा बहुत है। तितिक्षवा कारुणे कहा करुणा जिसमें बहुत हो। संतों में भगवान से भी अधिक करुणा है। आप कहेंगे भगवान तो करुणा सही है, करुणा सागर है, लेकिन भगवान कृपा कब करते हैं? जब कोई उनसे प्रार्थना करता है प्रभु कृपा करिए। लेकिन साधु ये प्रतीक्षा नहीं करते कि आप प्रार्थना करिए, वो किसी को दुखी देखते हैं और उनकी कृपा बरस पड़ती है। वो दुखी होते दिखेंगे आपको तो अपने दुख से नहीं, दूसरों के दुख से, क्योंकि वो सबको अपना सुहृद मानते हैं। सुहृदया सर्वदेहिना, साधुओं का तीसरा लक्षण है कि सबको अपना सुहृद मानेंगे। पहला सहनशीलता, दूसरा करुणा, तीसरा सबको सुहृद माने, चौथा अजात शत्रुवः, जो अजात शत्रु है किसी को अपना शत्रु नहीं मानता वो साधु है। वो पांचवा लक्षण है जो शांत रहता है वो साधु है। ये पांच लक्षण जिसमें हो वो साधु है।